सभी किसी तरीके से ईशान से मिलने में कामयाब हो तो गई है, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि सभी की तकलीफें कम नहीं हुई, सभी की मुसीबतें लगातार बढ़ती हुई ही नजर आ रही है। यहाँ ईशान ने सभी को एडमिशन देने के लिए मना कर दिया, लेकिन साथ में जो बहुत बड़ी बात उसने कह डाली है उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या कहा है उसने ऐसा, हम आपको बताएंगे टीवी विंडो पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जानते ही हैं कि सभी ईशान से मिलने में कामयाब हो तो गई है, लेकिन यहाँ पर सभी की तकलीफें कम नहीं हुई। सभी जिस तरीके से अब पहुँची ईशान के पास और ईशान ने उसे अपने कैबिन में देखा, वो ये बात समझ गया जब उसने कहा कि मुझे शांतनु भोसले से मिलना है, तो ये बात उसे समझ में आ गई कि यहाँ पर उसे ईशा ने ही भेजा होगा। ईशा के भेजने का मतलब ये है कि उसकी माँ की तरफ से वो अब इस लड़की को एडमिशन देगा क्या। वो पहले ही अपनी माँ ईशा से बहुत नफरत करता है और अब जब उसे पता चला है कि सभी उनके रिकमेंडेशन से आई है, तो वो कभी भी उसे एडमिशन देने को तैयार नहीं होगा और वही देखने को मिला है। ईशान ने गुस्से में सभी का बैग उठाकर फेंक दिया। एक रात पहले जब सभी ने ईशा को बताया था कि मैं पहुंच तो गई हूं, लेकिन मेरे पास यहां रहने की भी कोई जगह नहीं है, तब ईशा परेशान हो गई। उसे लगा कि मानो उसे जो है सभी की मदद के लिए जाना ही होगा। ना चाहते हुए भी वो भोसले इंस्टीट्यूट पहुंच गई। वहीं शांतनु भी ये जानता था कि सभी रात भर जो है इंस्टीट्यूट में ही रुकी है और वो चाहता है कि एडमिशन हो जाए, इसीलिए वो भी सुबह सुबह जो है भोसले इंस्टीट्यूट पहुंचता है। यहाँ ईशा और दोनों ही यानी कि शांतनु पहुंचते तो हैं, पर वहाँ जाकर जब देखते हैं ईशान सभी का बैग फेंक रहा है, तो ये दोनों ही नाराज़ हो जाते हैं। उनको ये बात बिल्कुल सही नहीं लगती कि वो अपना गुस्सा सभी पर क्यों उतार रहा है, और इसीलिए शांतनु जो है वो ईशान को सभी और ईशा के सामने थप्पड़ मारता नजर आता है। यहाँ ईशान का ईगो हर्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले तो उसकी माँ ही उसे छोड़कर जा चुकी है और अब उसका पिता भी दूसरों के सामने उसे इस तरीके से एक अनजान लड़की के लिए थप्पड़ मार रहा है। तो अब देखना होगा कि ईशान क्या कदम उठाता है। पर एक बात तो तय है कि रीवा के जाने से जहां वो पहले ही टूट चुका है, वहीं दूसरी तरफ अब शांतनु ने भी सभी के लिए जब उसे थप्पड़ मारा, तब वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया है। आप इस बारे में क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।